हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोबाइल में फोटो, वीडियो या ऑडियो या डॉक्यूमेंट को कैसे छुपा सकते हैं, वो भी बिना कोई ऐप इंस्टॉल किए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपका मोबाइल में ऐप लॉक या प्राइवेट सेफ का पासवर्ड सेट होना चाहिए। अगर जो आपका मोबाइल में ऐप लॉक का पासवर्ड सेट है तो वही आपका प्राइवेट सेफ का पासवर्ड भी है, या अगर जो आपका मोबाइल में प्राइवेट सेफ का पासवर्ड सेट है तो वही आपका ऐप लॉक का भी पासवर्ड है। तो अगर जो दोनों में किसी भी एक चीज़ का पासवर्ड सेट है तब तो आप बहुत ही आसानी से प्राइवेट सेफ में जाके या फिर गैलरी से या फाइल मैनेजर से आप कोई भी फोटो या वीडियो को छुपा सकते हैं। या अगर जो आपका मोबाइल में ऐप लॉक या प्राइवेट सेफ का पासवर्ड सेट नहीं है तो पहले आप सेट कर लीजिए और उसके बाद आप छुपा सकते हैं। कैसे छुपा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मेरे इस मोबाइल में ऐप लॉक या प्राइवेट सेफ का पासवर्ड कोई भी सेट नहीं है, इसलिए मैं इसमें कैसे छुपा सकता हूँ। तो छुपाने के लिए हमको पहले इसमें प्राइवेट सेफ का पासवर्ड सेट करना होगा या ऐप लॉक का। तो कैसे करेंगे, सेट करने के लिए आप अपने मोबाइल का सेटिंग्स ओपन करिए और उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे करिए और नीचे करिए और उसके बाद आप यहाँ प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे करिए और नीचे करिए और उसके बाद आपको यहाँ प्राइवेट सेफ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ प्राइवेट सेफ पर क्लिक करके आप प्राइवेट सेफ का पासवर्ड सेट कर लीजिए, वही आपका ऐप लॉक का पासवर्ड सेट हो जाएगा, या ऐप लॉक पर क्लिक करके ऐप लॉक का पासवर्ड सेट कर लीजिए, वही आपका प्राइवेट सेफ का पासवर्ड हो जाएगा। तो सेट करना है हमको दोनों में किसी एक चीज़ का पासवर्ड, तो इसलिए मैं यहाँ प्राइवेट सेफ पर क्लिक करता हूँ। जो सेट करेंगे वही ऐप लॉक का भी पासवर्ड हो जाएगा। तो दोनों में किसी भी एक चीज़ पर क्लिक करके सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ प्राइवेट सेफ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, मतलब सेट करने का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ द प्राइवेसी पासवर्ड विल बी यूज्ड ऐप लॉक एंड प्राइवेट सेफ, मतलब कि जो भी आप प्राइवेसी पासवर्ड सेट करेंगे वही आपका ऐप लॉक और प्राइवेट सेफ दोनों में यूज होगा, दोनों में काम करेगा। तो यहाँ पर हमको पासवर्ड सेट करने के लिए यहाँ सेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ सेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा, जो भी पासवर्ड आपको सेट करना है वो डाल के कर सकते हैं, या अगर जो आपको दूसरे तरह का पासवर्ड सेट करना है तो आप यहाँ यूज ऐप डिफरेंट पासवर्ड टाइप के ऑप्शन पर क्लिक करिए। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, जिस तरीके का आपको पासवर्ड सेट करना है उस पर क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं। मुझे तो यही 6 डिजिट वाला ही करना है, इसलिए मैं यही सेट कर लेता हूँ। तो जो भी आपको सेट करना है वो आप डाल लीजिए। जैसे मुझे सेट करना है 11 22 33, तो मैं यहाँ पर डाल दिया 11 22 33 और फिर दोबारा वही वाला डाल के वेरीफाई करिए। फिर मैं डालता हूँ 11 22 33, डाल दिया। और डालने के बाद यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ वन ऑफ योर टीचर, मतलब अपना एक टीचर का नाम बताएं। तो अगर जो आपको दूसरा तरह का सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना है तो इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर कई सारा क्वेश्चन आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन आप रखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके वो आप रख सकते हैं। मुझे तो यही वाला क्वेश्चन रहने देना है, मतलब एक टीचर का नाम बताएं। तो यहाँ पर मैं अपना टीचर का नाम डाल देता हूँ, पवन। तो जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आप डाल रहे हैं वो एकदम याद रखिए, ताकि अगर जो आप ऐप लॉक या प्राइवेट सेफ का पासवर्ड भूल जाएं तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर की मदद से आप उसका पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन में डाल दिया अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर पूछ रहा है अपने एक टीचर का नाम बताएं, तो मैं टीचर का नाम डाल दिया पवन। और सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर डालने के बाद आप डन पर क्लिक करिए। डन पर क्लिक करेंगे तो आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर सेट हो जाएगा और आपका प्राइवेट सेफ का पासवर्ड सेट हो जाएगा और आपका वही पासवर्ड ऐप लॉक का भी पासवर्ड सेट हो जाएगा। जैसे अब मेरा प्राइवेट सेफ पर पासवर्ड लग चुका है और ऐप लॉक पर भी। जैसे अब मैं बैक आता हूँ और यहाँ प्राइवेट सेफ पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं पासवर्ड मांग रहा है, या मैं ऐप लॉक पर ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड मांग रहा है। तो जो मैं प्राइवेट सेफ का पासवर्ड सेट किया वही ऐप लॉक का भी पासवर्ड सेट हो चुका है। तो अब मैं प्राइवेट सेफ पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं पासवर्ड मांग रहा है, जो मैं सेट किया वो मैं डालता हूँ 11 22 33 सेट किया था, 11 22 33 यहाँ पर डाला, प्राइवेट सेफ ओपन हो गया। तो ओपन हो गया इस तरह से। यहाँ पर कई सारा ऑप्शन है, जैसे अगर जो आपको फोटो वीडियो छुपाना है तो इस पर क्लिक करिए, या ऑडियो छुपाना है तो इस पर क्लिक करिए, या डॉक्यूमेंट छुपाना है तो इस पर, डॉक्यूमेंट छुपाना है तो इस पर क्लिक करिए, या कुछ अदर छुपाना है तो अदर पर क्लिक करिए। तो मुझे तो फोटो वीडियो छुपाना है, इसलिए मैं यहाँ फोटोज पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, देख सकते हैं अभी इसमें कुछ भी नहीं है। तो छुपाने के लिए यहाँ प्लस का आइकन मिल जाता है कोने तरफ, आप इस प्लस के आइकन पर क्लिक करिए और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका गैलरी का सारा फोटो वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो जो भी आपको छुपाना है उस पर क्लिक करिए, वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे ये फोटो छुपाना है तो इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। और मान लीजिए मुझे जो है वो ये वीडियो छुपाना है तो इस पर क्लिक किया, ये वीडियो भी सिलेक्ट हो गया। और मान लीजिए कि मुझे ये फोटो को भी छुपाना है तो इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। और मान लीजिए ये वीडियो को भी छुपाना है तो इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। आपको जितना भी छुपाना है उतना पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे 4 छुपाना है तो मैं 4 सिलेक्ट कर लिया, 2 फोटो और 2 वीडियो। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ डन के ऑप्शन पर क्लिक करिए। डन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट किया हुआ फाइल जो है वो गैलरी से हट जाएगा और इसमें आके छुप जाएगा। जैसे देख सकते हैं इसमें
आके छुप चुका है। जैसे अब मैं प्राइवेट सेफ ओपन करता हूँ, प्राइवेट सेफ पर क्लिक किया, प्राइवेट सेफ का पासवर्ड यहाँ पर डालता हूँ और यहाँ फोटोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं इसमें चारों आके छुप चुका है, गैलरी से हट चुका है और इसमें प्राइवेट सेफ में आके छुप चुका है। तो इस तरीके से आप छुपा सकते हैं। अगर जो आपको वापस करना है या देखना है तो भी कर सकते हैं, जो भी आपको देखना है आप उस पर क्लिक करिए, वो ओपन हो जाएगा और देख सकते हैं, या वापस करना है तो वापस भी कर सकते हैं। जो भी आपको वापस करना है आप उस पर क्लिक करिए, क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा और उसका नीचे में सेट एज पब्लिक का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ सेट एज पब्लिक के ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसका यहाँ पर सारा एल्बम आ जाएगा जिसमें आपको वापस करना है उस पर क्लिक करिए। जैसे मुझे कैमरा में वापस करना है तो मैं कैमरा पर क्लिक किया, अब वो फोटो जो है वो कैमरा एल्बम में चला जा चुका है, अब गैलरी के कैमरा एल्बम में चला जा चुका है और इससे हट चुका है। जैसे आप देख सकते हैं इससे एक फोटो कम गया, देख सकते हैं वो वापस हो चुका है। तो इस तरीके से वापस भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आपको गैलरी से छुपाना तो भी कर सकते हैं। गैलरी ओपन करिए, जो भी फोटो या जो भी वीडियो को छुपाना हो आप उस पर क्लिक करिए। जैसे मान लीजिए मुझे ये फोटो को छुपाना है तो मैं इस पर क्लिक किया, ये ओपन हो गया। ओपन होगा तो यहाँ पर मोर का ऑप्शन मिलेगा, आप मोर के ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसका सेट एज प्राइवेट का ऑप्शन मिलेगा, सेट एज प्राइवेट के ऑप्शन पर क्लिक करिए तो आपका वो फोटो जो है वो आपका गैलरी से छुप जाएगा और उसमें चला जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं वो फोटो जो है वो गैलरी से हट चुका है और प्राइवेट सेफ में जाकर छुप चुका है। तो इस तरीके से गैलरी से भी छुपा सकते हैं या आप चाहे तो अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर से भी कोई भी चीज़ को आप प्राइवेट सेफ में छुपा सकते हैं, फोटो वीडियो ऑडियो डॉक्यूमेंट कुछ भी छुपा सकते हैं। तो इस तरीके से आप मोबाइल में फोटो या वीडियो को छुपा सकते हैं।